Иди уже. Я в новую помяду. Лагерь, да. Лагерь, лагерь. तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वमित्र सरफराज खान में। आज की रेस्क्यू कॉल हमें ग्राम बोतलगंज से मिली है और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कोई मकान है पुराना जहाँ पे कोई सांप देखा गया है। और अब कौन सा और कैसा सांप है हम आपको पहले रेस्क्यू करके दिखाएंगे और पहले उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कौन सा और कैसा सांप है। तो तब तक बने रहें वीडियो में। ज्यादातर कच्ची दीवारों के अंदर चूहे बिल बना करके अपना बसेरा बनाते हैं और वहीं पर आकर के अपना बसेरा सांप बसा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दीवार कच्ची और ऐसी जगहों पर सांप अक्सर आ जाते हैं, तो हम खुदाई करके उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक ना ऊपर नहीं आ जाएगा, पेड़ चल लिया था अपने पावड़ा ला पावड़ा वो आ गया, उधर वो आ गया, इधर है वो आ गया, उधर ये वो आ गया, उधर वो बच्चा तो उधर वो आ गया, तो भी आ गया लड़ा लड़ा। अरे ये तो बच्चा है, धक जाओ छोटा है ना ये, छोटा है। गाड़ी भरी पीछे पड़ी है क्या मालूम, दीवार में निकले, दीवार में हो गए। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं काफी मेहनत के बाद में एक सांप को रेस्क्यू किया हमने, कॉमन टिंकर स्नेक अलंकार सांप। लेकिन जो केचुल हमने यहाँ पे देखी है उस केचुल के हिसाब से तो यहाँ पे कोबरा सांप है। तो क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी हमने खोदने के बाद में अभी तक मिला नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सांप को ढूंढने की। आप देख पा रहे हैं कॉमन टिंकर अलंकार सांप, और पहले हमने इसको व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू कर लिया है, अब दूसरा सांप ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। अब देख लो, अब देख लो, बल्ले बल्ले बन गए, घूमने में देखना वीडियो बना।